हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही फाइनल प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर? वीडियो की वेट हो रही थी, वी आर बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। तो यहां पे वीडियो आ गई है, अब आपने फाइनल प्रिपरेशन कर ली। सर क्या क्या होगा इस वीडियो में? व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जाम। देन वी आर गोइंग टू हैव द सिलेक्टेड टॉपिक्स, which one we need to follow, and then the expected question answers. Here's the expected question answers I'm going to discuss in this particular video. यार ये हमारे पास कुछ basics हैं जिनको clear करना है। The literature base, a grain of wheat, a dance of the forest, a candy man, a house for Mr. Vishwas. That involved poetry or Camus Blackfish, the poetry section, the solid Mandela and the stone angel. तो ये पार्ट है पेपर का, पैटर्न क्या है, वी नीड टू डू जस्ट फाइव क्वेश्चन, एनी फाइव। अब मैंने कौन से किए हैं, कौन से छोड़े हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। आपने पांच टॉपिक करने, पांच टॉपिक, तो आप बोलते हो सर हम छह टॉपिक ऑन पेपर कर जाएंगे। वी आर गोइंग टू क्लियर सिक्स टॉपिक्स, छह स्टेट फॉर टॉपिक है, ये ऑन टिप ऑन जी। अगर ये ऑन टिप है देन देयर बी नो प्रॉब्लम, फ्रेंकली सेज टू क्रैक लीस्ट टू लीस्ट 70 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। आप कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को आपको ऑन टेप रखना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन से टॉपिक्स की। सर जो लिटरेचर बेस्ड होंगे, हमारा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, कैसे क्लियर करने वाले यार, यहां पे ना क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं, हाँ डेफिनेट बोलूंगा, आप लोग प्लीज क्या करेंगे साथ में लिख लेंगे। दोज़ हू आर अनेबल टू राइट डाउन, डोंट वरी, आप लोग फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। आप सर ये अपलोड हो जाएंगे, इनके आंसर दोस हैविंग द नोट्स, सारे आंसर वहां पे हैं, दोस डोंट हैव दे कैन गेट द नोट्स, पीछे नंबर दिया गया, नहीं तो आप खुद भी अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने लेने ही लेने, आप अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम कॉमनवेल्थ लिटरेचर। आई रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। हमें बोला गया, कह रहा जो नई लिटरेचर है क्या है कॉमनवेल्थ लिटरेचर से अलग है, अगर अलग है तो कितनी, एक्सप्लेन। रिपीट द क्वेश्चन, इज द न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम कॉमनवेल्थ लिटरेचर, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल्स। सो आई नीड टू गिव अ टेस्ट, डेफिनेटली मुझे टेस्ट का एक पार्ट बताना पड़ेगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे एक्सपेक्टेड था मेरे दिमाग में आया, सर कॉमनवेल्थ लिटरेचर और न्यू लिटरेचर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू से दैट द डायस्पोरा, ये क्वेश्चन कंफर्मेबल होगा किसी फॉर्म में, वेदर फ्रॉम द आइस कैंडी मैन और वेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, वो स्टेट फॉर यहां से आ जाए। वुड यू से दैट द डायस्पोरा हैज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। आई रिपीट द क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली, वुड यू से दैट द डायस्पोरा हैज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, एक्सप्लेन इन डिटेल, दैट बी बेटर पार्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन, राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेबियन लिटरेचर। अब दिमाग में आता सर जहां पे हम बात करते हैं कैरेबियन लिटरेचर की, ये कैरेबियन लिटरेचर का एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में बनता है, मतलब देयर इज अ मस्ट चांस कि कैरेबियन लिटरेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। एंड आई मस्ट से कुछ गलत नहीं है इसमें कि ये क्वेश्चन कैरेबियन लिटरेचर का आता है। तो कॉमनवेल्थ लिटरेचर कर ली, न्यू लिटरेचर में कंपेयर कर लिया, देन आई टॉक अबाउट कैरेबियन लिटरेचर, फिर मैंने बोला हाउ इट बी रिलेटेड एंड द क्वेश्चन ऑफ डायस्पोरा। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्या करेंगे, जंप करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट कैरेबियन कल्चर। इवेल्यूएट करता है मतलब हाउ इट बीन डिफरेंट, किन किन चीजों लेके जाता है, वो सारी चीजें मुझे यहां मेंशन करनी। तो यहां हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज द लिटरेचर बायस क्वेश्चन। अब यार कौन इसको करेगा, कौन इसको छोड़ेगा, आई हैव नो आइडिया, रियली आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, अगर मेरे को बोला जाए तो मेरे को पहले छह जो चूज करने, तो मैं ज्यादा वीडियो खींचता नहीं, मैंने पहले बताया था मैं जो छह चूज करूंगा उनमें होगा ग्रेन ऑफ वीट, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, अ कैंडी मैन, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, द स्टोन एंजल और द पोएट्री। Why don't I choose the solid Mandela? Exactly, बहुत इजी यार, मैं कर भी सकता हूं। तो solid Mandela और a grain of wheat में चॉइस कर लूंगा मैं, क्यों है दोनों आसान, मुश्किल कोई भी नहीं।
लेकिन वो सिर्फ छह गाने, तो फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करने वाला, सीरियसली मैं नहीं करने वाला फर्स्ट पार्ट, क्योंकि कंपल्सरी नहीं हो, इट इज नॉट अ कंपल्सरी क्वेश्चन। कहीं बोलेगी फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है सर, ऐसा हो तो फिर तो हमें करना पड़ेगा, देन वी हैव टू गो थ्रू दैट, बट इफ नॉट कंपल्सरी देन आई विल गो विद दीस सिक्स। आपकी चॉइस क्या है, यू नोस बेटर यार। तो यहां आ गए हम सेकंड पे, और सेकंड आ गया हमारे साथ ग्रेन ऑफ व्हीट। अब ग्रेन ऑफ व्हीट में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाला हूं, कौन से क्वेश्चन जो मुझे प्रिपेयर करने फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, और एक चीज देखना यार पेपर वही आता है नहीं आता जो मैंने बताया, तो इसके लिए आप एमजी 11 अभी हुआ उसको चेक कर लेना पूरा पेपर, और बाकी जितने पेपर हुए अब तो रिजल्ट भी आगे देर होगा, रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। अच्छा कई बच्चों को डाउट होता है सर क्या हो रहा है, तो रिव्यूज पढ़ा करो बच्चों का, डेफिनेटली आपको पता जाएगा कि कैसे मार्क्स आ रहे बच्चों के। काम नेक्स्ट पॉइंट, सो वी आर हियर फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ व्हीट, डिस्कस द टाइटल ऑफ द नॉवल। प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो पक्का बताऊंगा, डिस्कस द टाइटल ऑफ द नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट विद अ स्पेशल रेफरेंस टू नागोई वोथोंग यूज ऑफ क्रिस्टेनियन मैथोलॉजी, क्रिस्टेनियन मैथोलॉजी माइथोलॉजी को हाईलाइट किया। अच्छा टाइटल की एप्रोप्रिएटनेस अलॉन्ग विद द माइथोलॉजी, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं हमें जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने। एंड देन आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द थीमेटिक कंसर्न्स, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द थीमेटिक कंसर्न्स इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट। अब थीमेटिक कंसर्न्स, यस यू कैन सी द थीम्स, वो थीम्स को ही आंसर में लिखना पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। एंड देन वी आर हैविंग द वन मोर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मैं जंप कर रहा हूँ, मैं इंस्टा भी डालूंगा वहां पर आप देखेंगे पूरी तरह क्लियर करेंगे, जो नहीं देख पाएंगे वो मुझे प्लीज करेंगे मैं टेस्ट कर दूंगा, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल रोल्स। दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं जंप कर गया किस पे, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट पे, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट पे, तो सर उसके आपने दो से तीन क्वेश्चन बताए, नाउ यू कम टू द नेक्स्ट वन अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, एंड द क्वेश्चन इज आई रिपीट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल रोल्स प्लेड बाय डीमॉक रोला एडब्रेट एक्सेट्रा इन अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, एंड आई होप कि आप अच्छे से कर लेंगे, ये एक्सपेक्टेड भी है। एंड देन वी आर हैविंग नेक्स्ट वन, एग्जामिन अ डांस ऑफ फॉरेस्ट एज अ प्रेजेंटिंग इश्यूज ऑफ नाइजीरियन इंडिपेंडेंस, सर नाइजीरियन इंडिपेंडेंस को हाईलाइट करता है पूरी तरह, एक ही चीज को उसने मेंशन किया, तो हम बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, कमेंट ऑन द टू टाइम फ्रेम्स, आई रिपीट कमेंट ऑन द टू टाइम फ्रेम्स एंड द प्ले विद इन द प्ले, एंड दिस मेक्स दिस क्वेश्चन द मोस्ट एक्सपेक्टेड। I repeat the question guys, please listen carefully. Comment on the two time frames and the play within the play in a waltz or a piece, a dance of the forest. So, यहाँ हो गए मेरे दो main storylines जो मुझे clear करनी थी, a grain of wheat and a dance of the forest. तो दोनों को on tip करना है मुझे, क्या क्या करने हैं, क्वेश्चन कौन सा करने हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, appropriate title, the themes, thematic concerns है यहाँ पे, एंड द कैरेक्टराइजेशन, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे दोनों के दोनों स्टोरी लाइन को ऑन टिप कर देगी। नाउ जंप टू द नेक्स्ट वन, माय फेवरेट आइस कैंडीमैन, वापसी सिद्धवा। अच्छा सिद्धवा राइटिंग क्लास एंड द वे शी प्रेजेंटेड ईच एंड एवरीथिंग। अब सर यहां पे एक एक चीज को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है उसको मेंशन करेंगे। कम टू द क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस पॉलिटिकल कॉनोटेशंस, discuss the various political connotation in the novel the ice candyman, political connotations, this is something important. ab yahan pe isko partition novel bhi kaha gaya, ye aap clear karenge along with that yahan pe narrative technique, omniscient narrative technique was been employed here, us pe question aata hai confirm, aur is bar chances hain. discuss Vapsi Sidhwa use of english language in the novel ice candyman, how does she mold it to suit the context. and the last question, discuss the issue of identity with a reference of woman characters in Ice Candyman. तो women's character क्या है Ice Candyman में, किनको highlight किया गया, कौन कौन से points हैं, ये सारे हमें on tip होने चाहिए। Now we need to jump to the next section. So the Ice Candyman, then I do have this one of the most important storyline, a house for Mr. Vishwas. Easiest confirm 100% question paper में, और यहां पे question होने वाला हमारा most probably कहता examine the use of irony,
I repeat, examine the use of irony and humor. Irony and humor in a household mishwiswas. In a household mishwiswas. So, irony and humor, dono hai. Yahan usko highlight kiya gaya. Then we'll do have the next one. Attempt an analysis. Attempt an analysis of Nye Poe's A House of Mr. Vishwas as a diasporic novel. मैंने पहले बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है diasporic का. ये novel है diasporic, पूरा उसको clear करना हमने. I repeat the question. Attempt an analysis of Nye Poe's A House of Mr. Vishwas as a diasporic novel. And now I'll come to the last question from this. Discuss the significance of Hanuman House. Discuss the significance of Hanuman House in Nye Poe's House for Mr. Vishwas. So, significance of Hanuman House ka Tulsi House, if you have read it, it will be clear in the test. One point we clear on. And now, time to discuss the poetry. And the students will be very much worried about the poetry from this particular paper. Guys, it's really easy. Just two poets we need to do. For maximum number of the poetries are just three. तीन पॉइंट्रीज दो पॉइंट उनके बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने और हम इस क्वेश्चन को ऑन टिप करेंगे. सर कौन सा करना है? हमने पढ़ा है डायरेक्ट फॉरवर्ड की इसमें हिस्ट्री और लैंग्वेज को पूरा क्लियर कर लेंगे या द यूज ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज इन डायरेक्ट फॉरवर्ड पॉइंट्स इसको क्लियर करना है. द फर्स्ट पॉइंट क्रूजर जर्नल एंड द स्पॉटलेस रिटर्न, ये सारी सारी पॉइंट्रीज आपको इसी चैनल में मिल जाएगी. इस बीच यार अगर अभी तक आपने सीरियसली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यार आप भी सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि वो सारे देख पाए जिनको जरूरत है. एंड दिस इज हाई टाइम दैट यू गाइस नीड टू शेयर दिस वीडियो ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म्स. कम टू नेक्स्ट वन दैट इज कम आउट बेथविच द विंग्स ऑफ डॉव मैक्सिमम वन आर एंड दिस क्वेश्चन बी कंफर्म योर साइड. अगर आप टाइम देते हैं सिर्फ तीन पॉइंट्स करनी है, दो पॉइंट है हमारे पास, चार से पांच टॉपिक बनते हैं, कन्फर्म एक क्वेश्चन बनता है. आई डोंट थिंक कि आप लोग नहीं करोगे. अगर अभी भी जान के भी नहीं किया तो फिर तो नोबडी कैन हेल्प यू गाइस. कम टू नेक्स्ट वन, हियर वी आर द सॉलिड मंडेला. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन सॉलिड मंडेला, द इजी स्टोरी. सो यू आर नॉट चूज द सॉलिड मंडेला, वो तो यार नंबर पूरा होगा तो जस्ट ऑन एंजल को मैं छोड़ने वाला नहीं. तो मैं इसको चूज करूँ या उसको चूज करूँ, मैं ऑलमोस्ट अगर फर्स्ट आपको छोड़ के बाकी भी गलत हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. हियर आर द सॉलिड मंडेला, द क्वेश्चंस आर द थीम्स ऑफ द नॉवल आर रिफ्लेक्टेड बाय द कैरेक्टर्स. आई रिपीट कमिंग, द थीम ऑफ द नॉवल्स रिफ्लेक्टेड बाय द कैरेक्टर्स इन द सॉलिड मंडेला डिस्कस. तो आई होप आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंस्टा पर डालेंगे तो सरप्राइज से लिखेंगे, हो सकता है इंस्टा पर ना ही डालू, चांसेस है. वैसे करूंगा नहीं ऐसा, डेफिनेटली डालूंगा, नीड नॉट वरी. Come to the next one. Here we are. How does the mandala motive work in Patrick White, the solid mandala? And now come to the last question from this. Actually, the second last two questions, both are important. Analyze the use of myth and symbols. Analyze the use of myth and symbols in Patrick White's the solid mandala. And the next question, write a critical note on the characterization in Patrick White, the solid mandala. तो यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमने उसको साइड पे कर दिया. नाउ विल जंप टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द स्टोन एंजल, द स्टोरी ऑफ हेगल. स्टोन एंजल सर व्हाई इट इज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर क्या है, तो ना इसकी वीडियो को जरूर देख लेना, सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई. अगर आप वीडियोज को देख लेते हैं आप आधा पेपर तो ऐसे क्लियर करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी आर, कहता डज हेगल शिपले ever come to terms with a guilt complex? With a guilt complex. Discuss the reference of the stone angel. यहाँ reference देने के लिए stone angel किया आपने. Come next one. What role does the stone angel in the novel the same name fulfill? Discuss or elaborate. Next question, the second last, is a self elimination. सर ये सबसे अच्छा question है. पेपर नहीं भी आता तो नहीं चलता, लेकिन सीरियसली क्वेश्चन मुझे आता है तो आई कैन डील विद एनी ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन. इज द सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ हेगल शिफ्टिंग इन मैग्रेट लॉरेंस द स्टोन एंजल इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर प्राइड ऑन हर रिलीजियस बैकग्राउंड. डिस्कस विद रीजंस. एंड द लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, व्हाट आर थीमेटिक कंसर्न्स, व्हाट आर द थीमेटिक कंसर्न्स इन द स्टोन एंजल.
कर ये थे वो क्वेश्चन जो हमने प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर MEG 08 द न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, मेरा करने का तरीका क्या होता है, किन बेसिस को फॉलोअप करना है एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यार आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना। टिल देन ऑल द बेस्ट। क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।